हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों के लिए मैंने कुछ नया लाया है, टेक्निकल है ये वीडियो। सो जैसे मैं बहुत टाइम से मेरा बाइक रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा फ्रंट ब्रेक में थोड़ा सा स्लिप आ रहा है, जो कि रोटर की वजह से है। रोटर बहुत गंदा हो गया, कंटामिनेट हो गया, इस वजह से वो थोड़ा स्लिप हो रहा है। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्लीन योर डर्टी ब्रेक्स, उसे कैसे हम वापस से एकदम फ्रेश जैसा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली वही करने वाले हैं। तो मेरा जो बाइक है उसमें है होप टेक के ब्रेक्स विद शिमानो आइसटेक, जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। एंड ये जो अभी वीडियो बन रहा है ये सब टाइप के ब्रेक्स के लिए है, वेदर वो मैकेनिकल हो या हाइड्रोलिक, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप शिमानो के नॉर्मल ब्रेक्स यूज़ करते हो या एकदम अच्छे वाले ब्रेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो ब्रेक्स है अभी जो मेरे बाइक में, वो एकदम टॉप एंड वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेक्स में से है, नंबर वन ब्रेक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे बाइक में। सो इसका जो फ्रंट ब्रेक का है वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, क्योंकि मैं इतने सारे स्टंट्स करता रहता हूँ, गिरता रहता हूँ एंड रेडबुल पीता रहता हूँ, कभी कभी गलती से उस पर गिर जाता है या कहीं पे भी गिरता हूँ मैं, तो उस वजह से वो गंदा हो जाता है। तो आज हम वो सीखेंगे कि कैसे उसे क्लीन करते हैं एंड आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, कैसे उसे मेंटेन करना है। सो आओ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अभी तो मैं कहीं बाहर हूँ, मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है कि मैं खोल दूँ, तो इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट हम ये कर सकते हैं कि इसे अपसाइड डाउन कर देना है। हमने बाइक को अपसाइड डाउन कर देना है और जो मेरा बाइक है इसमें है थ्रू एक्सल 50 mm का, जिसमें कि 6 mm का एलेंकी लगता है। तो मैं इस एलेंकी से इसे खोल दूंगा और ये एक बार जब खुल जाए आराम से, आपका बाइक में शायद क्विक रिलीज हो तो क्विक रिलीज से आपका बाइक ईजिली खुल जाए, या नट एंड बोल्ट हो तो उससे खुल जाए। ये मैंने खोल देना है, निकाल देना है एंड इसे सेफ्टी के लिए इस थ्रू एक्सल को हम इसी फोक पे लगा करके छोड़ देंगे तो ये सेफ रहेगा। एंड ऑलवेज मेक श्योर जब भी आपके बाइक में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है और आप निकाल रहे हो ब्रेक, तो ये आपके पिस्टन पे डिपेंड कर रहा है कौन से डिज़ाइन का और क्या है, तो ये आपने हमेशा लॉक कर देना है इससे, ताकि गलती से भी अगर ब्रेक्स दबेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, ये आपका सेफ रहेगा, ये बचा रहेगा। तो हमें इसे लॉक कर देना है ताकि ये गलती से प्रेस ना हो और ख़राब ना हो। ऑलराइट, सो ये जो मेरा ब्रेकिंग सिस्टम है मेरे बाइक में ये बिल्कुल ख़राब नहीं है, बस इसको थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत थी, तो हम इसे वही क्लीनिंग करेंगे ताकि ये प्रॉपरली बाइट इसको मिल जाए। तो क्लीन करने के लिए हमें चाहिए ल्यूप ल्यूप का डिस्क ब्रेक क्लीनर। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, पर्सनल यूज़ किया हुआ है मैंने कई बार मेरे बाइक पे, और ये प्रोडक्ट आपको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। एंड आपने चाहिए एक कपड़ा ताकि आप अच्छे से क्लीन कर सको, मेक श्योर वो अच्छा साफ़ कपड़ा हो। हमेशा याद रखिए इसका एक्सेसिव अमाउंट यूज़ नहीं करना है, आराम से हल्का सा यूज़ करना है। अभी जैसे कि मैं डेस्क पर ही स्प्रे करने वाला, इसे मुझे वो पाइप की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं हम। सो इसे एक बार यूज़ करने के पहले जेंटली शेक कर लें और ईजली थोड़ा दूर दूर से उस पर स्प्रे कर लें, ताकि उस कंटामिनेशन को ये क्लियर कर देगा। इसे एक बार दूर से ही मारना है। नाउ अभी इसे थोड़े टाइम के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है, थोड़ा वो सूखेगा तो ऑटोमेटिकली वो बाइट आ जाएगा उसके अंदर, और इसे हम फिर क्लीन कर देंगे और फिर से वो बाइट पॉइंट आ जाएगा। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जब भी हम यूज़ करते हैं ब्रेक्स को हमारे बाइक्स को, तो बहुत रफली यूज़ करते हैं। मैं एक ऐसा एथलीट हूँ कि मैं बहुत रफली यूज़ करता हूँ मेरे ब्रेक्स को, एंड मेरा स्पोर्ट ही ऐसा है कि रफली यूज़ करना ही पड़ता है। सो हमेशा इसे ध्यान रखना है एंड क्लीन कर लेना है। आपके ब्रेक्स ख़राब होने के 2-3 रीजन्स हो सकते हैं। नंबर वन, ऑलवेज चेक योर ब्रेक पैड। व्हाट हैपेंस समटाइम्स वो बहुत गंदा हो जाता है और उसकी बाइट बहुत कम हो जाता है, उसका वो ख़त्म होने के पॉइंट पे रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए पावर नहीं मिलता है। सेकेंड थिंग, कभी कभी वो बहुत कंटामिनेट हो जाता है, इस वजह से भी पावर नहीं लगता है। तो जब कंटामिनेट हो उस टाइम पे आपने इसी तरीके से डिस्क पे साफ़ कर लेना है, इसी तरीके से आपने आपके ब्रेक पैड पे भी स्प्रे करके आप यूज़ कर सकते हो, एंड उसी ब्रेक पैड को आप एक बार अच्छे से स्क्रब कर दीजिए पॉलिश पेपर से या स्कॉच ब्राइट से, और उसके बाद में जो भी लास्ट का है उसे आप एक बार स्टोव पे आपके घर के पे रख करके थोड़ा सा हीट कर दीजिए, तो जो भी कंटामिनेटेड उसमें सब रहेगा वो सब उड़ जाएगा, एंड देन अगेन आप आपकी बाइक पे यूज़ करिए। सो अभी हमारा जो ये रोटर है ये सूख चुका है, इसे अभी हमें एक साफ साइड से, क्लीन साइड से, कपड़े के क्लीन साइड से इसे क्लीन कर लेना चाहिए।
तो अभी देखते हैं कितना कंटामिनेट हुआ है ये। ये जितना भी कंटामिनेट हुआ रहेगा वो एक ब्लैक पोर्शन के टाइप में आएगा। एंड होपफुली हो सके तो प्लीज़ यूज़ टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर से भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। सो अभी ये हमारा डिस्क साफ़ हो चुका है एकदम अच्छे से, अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है इस डिस्क को हमने। अभी ये पूरा डिस्क मेरा साफ़ हो गया एकदम अच्छे से, अभी ये एकदम अच्छे से काम करना चाहिए। एंड इसी तरीके से अभी मेरे ब्रेक पैड में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी था कंटामिनेशन इसी पे था। तो अभी इसे वापस री इंस्टॉल करते हैं एंड देन चेक करते हैं पावर कैसा है। ओवर टाइट भी नहीं करना है, नहीं तो उसके वजह से थ्रेड मिस हो जाएंगे। अभी पहले के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा फ्री चल रहा है, पहले इतना फ्री नहीं चलता था। सो अभी ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ्री चल रहा है, पहले इतना फ्री नहीं चलता था, काफ़ी ज़्यादा ये जाम हो जाता था कभी कभार। सो अभी बहुत ज़्यादा ही फ्री चल रहा है, इसे रोक लेते हैं। एंड अभी इस प्रोसेस के बाद हमें एटलीस्ट 2 से 3 घंटा रुकना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा टाइम ले लेगा, प्रॉपरली सेटल हो जाएगा और उसके बाद में उसका बाइट पॉइंट वापस आ जाएगा। 2 से 3 घंटे बाद वो प्रॉपर इसी तरीके से पावरफुल हो जाएगा जैसे आप अभी देख रहे हो वीडियो में, और आप काफ़ी सारा ट्रिक्स कर सकते हो। सो मेक श्योर, ये बहुत ही छोटा सा हैक है, हार्डली आई गेस 15 मिनट आपका लगेगा पूरा आगे पीछे दोनों करने के लिए रोटर्स। सो मेक श्योर आप हर 6 महीने में या 2 महीने में जैसे आपको फील आता है कि आपका ब्रेक्स नहीं सही चल रहा है, सो आप प्लीज़ इसे करते रहिए। एंड आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, लूप लूप, ये है लूप वाइप डिस्क ब्रेक क्लीनर फॉर बाइसिकल्स। सो ये डिस्क ब्रेक को पूरा क्लीन कर देता है, साफ़ कर देता है एंड आपका बाइक वापस से तरोताज़ा हो जाता है एंड आप राइड कर सकते हो फिर से विथ प्रॉपर पावर बिना किसी डाउट के। तो जैसे मैं एक एथलीट हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी हाइट पर रहता हूँ, जंप करता हूँ, वहाँ से बाइक पूरा घुमाता, तो मेरे ब्रेक्स बहुत पावरफुल होने चाहिए, इसलिए बाइक मेंटेनेंस, ब्रेक मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए ये वीडियो बस यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो तो हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इसी तरीके से नया नया चीज़ें सीखने के लिए, आपकी बाइक कैसे मेंटेन करना है, एक पूरा मैं प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ों का ट्यूटोरियल्स, हाउ टू मेंटेन योर बाइक एज वेल एज हाउ टू डू सम ट्रिक्स, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे इन फ्यूचर जो भी अपडेट आएंगे। बाय, टेक केयर, कीप राइडिंग।